ना मैं अखबार शैतान के चमड़े का जूता पहनता हूँ, भगा भगा के मारता हूँ हावले। चलो ठीक करते हैं, रेडी। तेरी दाढ़ी उबाल कर नूडल्स बना दूंगा, कब से टाइम पास करने जा रहे हो? खोपड़ी मत सटका, कर दूंगा तुझे लटका। लास्ट लाइन, खोपड़ी मत सटका वरना तुझे, एक और, खोपड़ी मत सटका वरना दूंगा तुझे, खोपड़ी मत सटका। ये पूछना चाहता है कि बच्चा कट से आया था या फट से आया था। अभी एक एक पूरा टेक करते हैं इसको। पेलम पाली, पेलम पाली। इसके बाद हकुना माटाटा, हकुना माटा, एक और, हकुना माटाटा। अब उनको चुरन देता है, अपन सुबह ही बाथरूम जाके आए। पूरा पूरा एक साथ ले ले, पूरा पहले से आ जाए। चल एक और टॉप से, अच्छा था ना। कल के बाद किसी को एक और सेम पंच, एक और मैं अच्छा करता हूँ। सेल फोन का सिग्नल सैटेलाइट के इर्द-गिर्द। एक और पूरा ये हटा दे, यहाँ से एक और करते हैं। चलिए पूरा हटा दे, इसको पूरा करते हैं स्टार्ट से। ये भी लाइन लेते हैं, ओके एक साथ लेते हैं। आया गया, डन, सुपर टेक, एकदम बोले तो झकास। एक्चुअली क्या है ना कि वो सैनिक अपने बैंड बजाने आया था, लेकिन तुमने जिस तरह से उन लोगों की पुंगी बजाई ना, तुम्हें देखकर उन लोगों की धोती गीली हो गई। याद है आप जब प्लेन में सफर करते हैं तो हमेशा आपको सेल फोन बंद करने को कहा जाता है। आप कहते हैं कि भाड़ में जाए। प्लेन का फोन से क्या लेना देना, मैं बंद नहीं करूंगा। देखा फोन बंद करने का क्या नतीजा, सेल फोन का सिग्नल सैटेलाइट के इर्द गिर्द उछलता रहता है और फिर धड़ाम। तो तुम कहां से हो? शेंडोंग प्रदेश से? हाँ लगता तो शेंडोंग प्रदेश से ही हो। क्या यहाँ अक्सर आते हो? ये छड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसे तुम मुझे दे दो वरना किसी को चोट लग सकती है। बस कर हैरी, मर्द को दर्द नहीं होता पर जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो दर्द होता है। मेरे छिले हुए केले जैसे दोस्त को माफ करना। क्या है कि ये कभी माँ नहीं बना है। ये पूछना चाहता है कि बच्चा कट से आया था या फट से आया था। क्या मेरे क्लाइंट के साथ आपके रिश्ते सिर्फ जिस्मानी थे? नहीं, क्या आप दोनों मिलकर बिस्तर गरम नहीं करते थे? पेलम पाली, पेलम पाली, तुमने अपनी गाड़ी उसकी पार्किंग में नहीं डाली। तुम हमेशा खोल खोल के मिसेस कॉल की बजाते थे। सच बताओ, झूठ है? देखो ये मेरा घर है और ये सब मेरे दोस्त है, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही तुम मेरे भाई जैसा बर्ताव कर रहे हो। मेरा नाम कोकू है और मैं यहाँ रहता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। कौन है तू? तू? मैं नहीं तू। हाँ मैं हूँ तू। सिर्फ सवाल का जवाब दे, कौन है तू? अभी तो बताया तुम्हें। क्या बहरा है तू? नहीं, तू अंधा है। बुड्ढे मैं अंधा नहीं, तू है। यही तो मैंने अभी कहा। तूने अभी क्या कहा? मैंने क्या नहीं, मैंने तू कहा। बता रहा है कि नहीं तू? तू बता तो रहा है। तू चुप है, तू। हाँ तूने मैं, ये क्या नाम है तेरा? मैं तू? मैं हूँ मैं। हाँ ये मैं है और मैं हूँ तू। तेरी दाढ़ी उबाल कर नूडल्स बना दूंगा, कब से टाइम पास करे जा रहे हो? ये मैं, तू। ये सब लगा के क्या रखा है? ओ तू मुझे डरा रहा है? मारूंगा सर पे, पेट हल्का होगा घर पे, दिखाओ नूडल्स। इसे बोलते हैं देसी कराटे, खा के पराठे। खोपड़ी मत सटका वरना दूंगा तुझे लटका। अब छोड़ो भी, रहने दो इस बात को। हकुना माटाटा। क्या हकुना माटाटा? इस बात को मैंने यही सीखा है। इसका मतलब कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हो। फिर चिंता किस बात की? ये टाई वाले मामू, आराम से बैठने का और टेंशन नहीं लेने का, अपन अपना काम जानता है। तेरी साली जान झोपड़ी में अपन पहले भी आ चुका है। मैंने घुसने दिया था। अपन को चुरन देता है? अपन सुबह ही बाथरूम जाके आए। वो खुद को समझता क्या है? मैं अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़कर इधर उधर भटकता फिरूं जबकि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। बच्चों पर नजर रखनी पड़ती है, एक सेकंड के लिए नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। आजा मेरे मोहन प्यारे, मेरे आंखों के तारे, अकेले कहीं मत जाओ। तुम सबका डरावने सपने से इस कमरे में सामना होगा, पर मेरे होते हुए कोई भी खतरा तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मगर तुम लोग चिल्लाना मत, उससे वो लोग चिढ़ जाएंगे। ठीक कहा काकी, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो फड़कता हो, धड़कता हो, उछलता हो, जिसमें लटके हो, झटके हो, जा झटके, लटके हो थोड़े हटके, ओ बल्ले बल्ले। और वो अकेला नहीं था सर, हमने उसे पकड़ने वाले थे। तभी अचानक हमारे सामने एक ऐसी चीज आ गई जो बहुत ही बड़ी थी। वो क्या था? उसने एक भारी भरकम ट्रक को उठाकर ऐसे फेंका जैसे फुटबॉल हो। भाई तुम ठीक तो हो ना? मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं, ताबीज़ उड़ाने जा रहा हूँ मैं। ओह तुम तो बहुत ही बुरे हो। तुम भी कम नहीं हो। ये बताओ कि टाइगर ताबीज़ का दूसरा हिस्सा कहाँ है? मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया, पुराने बरगद के रूहानी पिस्सू ने हावले के सर पर तशरीफ रख दी है। इसके दिमाग पर रियानी खाला का कब्जा है। रियानी खाला आम खाला नहीं है, चुड़ैल की खाला है। ना मैं अखबार शैतान के चमड़े का जूता पहनता हूँ, भगा भगा के मारता हूँ हावले। लोग प्रियता होती है गरजने वाले बादल जैसी, जो सूरज निकलते ही साफ हो जाती है। लेकिन मैं आसमान हूँ, बादल बिजली आंधी तूफान सब अपने सीने में लेके चलता हूँ।
आसमान पे थूकने की कोशिश करेगा तो थोड़ा तेरा इश बिगड़ेगा। तू अपनी काली जबान की पनौती मुझे देने के बजाय अपने पास ही रख। आज तू देखेगा मेरी किस्मत कैसे खुलती है। मुझे बाबा जी ने बोला है आज मेरा दिन है। 2000 के लॉकेट के साथ 1000 रुपया बख्शीश दिया है। देख भाई तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन एडवांस में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। पब्लिक प्लेस में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, पान चबाकर यहाँ वहाँ थूकना, इसकी परमिशन तो अपने देश के प्रधानमंत्री भी नहीं देते। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सामान संभाल सकता हूँ। चाची की कसम इसके लिए मैं तुमसे कोई सर्विस चार्ज नहीं लूंगा। हॉस्पिटल के बिस्तर में ही टेढ़ा पैदा हुआ था। टेढ़ा टेढ़ा सिंह नाम है मेरा। आज से नो फ्रेंडशिप ओनली वॉर। फोन मत करना और व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना। फेसबुक ट्विटर पे तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। आज से ठरकी ग्रुप से मेरा नाम डिलीट कर दो। मन कर रहा था उन सुअरों की खाल खींच कर उनके चीथड़े उड़ा दूं, पर मेरा गुस्सा मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है। तेरा बाबा पहले किसान नहीं था। थैंक यू, आई लव यू। क्या दिल किया बोल दिया? गुंडों की वजह से लोचा हो गया। लैन तो एयरपोर्ट पर बोलने का। ए चमन चिंदी, तू क्या कब्रिस्तान का ठेकेदार है? जब यहाँ से हवा गुजरती है ना, तो वो भी अब उनको सलाम ठोक के गुजरती है लुखे, और तू मुझे ठोकेगा? मुर्गे के सर पर ताज हुआ तो क्या हुआ, हलाल तो वही चोता है। असली ताज तो राजा के सर पे ही शोभा देता है। चल सॉरी बोल। शक कर रही हो ना तुम मुझ पर? शक करना भी चाहिए तुम्हें? वो लड़की कौन है, उसने मुझे गले क्यों लगाए, ये पूछना चाहिए, जिसका जवाब मुझे तुम्हें देना है। क्यों गले लगाया उसे तुम्हें? ऐसे जल्दी जल्दी मत पूछो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। जैसे चिकने से क्यों प्यार करोगी? हाँ तुम्हें तो कोई चमन चिंदी ही पसंद आएगा ना। मुझसे प्यार करने से तुम डरती हो? कहाँ मैं गोरा चिट्टा चिकना जिसके पास बेशुमार दौलत है, हर गली में बंगला है, मारुति की रोल्स रॉयस है, अनगिनत साइकिलें हैं। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, इसलिए तुमसे मेरी अमीरी हजम नहीं होती। जेब में मंगलसूत्र है और खोपड़ी सहने के लिए तैयार। नया पार्ले कच्चा मैंगो बाई, कच्चे आम का कॉपी। अब और भी चटकदार।